hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i'm back with another video so today's video is about the lecture number three of process costing and we are going to discuss how to prepare the working notes related to process costing as concerned so here we are going to discuss about uh, the working notes which will relate to your process costing uh, without preparing all the process we can easily know how, what will be the abnormal loss how much will be the abnormal gain what about the normal loss every पॉइंट आई एम गोइंग क्लियर अबाउट द प्रोसेसर्ड तो ये वर्किंग नोट किस तरीके से प्रिपेयर करना है इसके ऊपर ये लेक्चर नंबर थ्री है तो अगर आपने अभी तक पहले के दो लेक्चर नहीं देखे तो पहले के दो लेक्चर भी देखे सो so देट आपका एक जो सीरीज चल रहा है उसका सारा का सारा रिविजन प्रॉपरली सही तरीके से हो सके तो ये वीडियो जो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन तीन वैरायटी के मैं आपके ला, लिए लाया हूं एक नॉर्मल वैरायटी के वर्किंग नोट कैसे प्रिपेयर करने हैं नंबर सेकंड इज हाउ टू प्रिपेयर वर्किंग नोट रिलेटेड टू सेल वैरायटी एंड नंबर थर्ड हाउ टू प्रिपेयर वर्किंग नोट रिलेटेड टू स्टॉक वैरायटी तो लास्ट तक बने रहे और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे अभी बिकॉज आप बाद में तो वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो पहले ही लाइक कर ले सो दैट आपको Uh, इसके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे एंड स्टार्ट uh, करेंगे अभी हमारा लेक्चर दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर थ्री सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव ब्रॉड तो मैंने एक एग्जांपल लाया है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर वन है दैट इंडिकेट्स विथ द कैलकुलेशन प्रोसेस ए वी आर हैविंग हमारे पास प्रोसेस ए है प्रोसेस बी है एंड प्रोसेस सी है तो प्रोसेस ए बी सी जो भी हमारे तीन प्रोसेस है इससे रिलेटेड uh, जो भी कैलकुलेशंस है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है तो प्रोसेस ए हमारे पास वैल्यू है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इनपुट टेन रुपीज पर के जी नॉर्मल लॉस टू परसेंट टू रुपीज पर के जी एक्चुअल आउटपुट एंड द प्रोसेस बी ऑल्सो वी हैव नॉर्मल लॉस फोर परसेंट प्रोसेस सी ऑल्सो वी हैव नॉर्मल लॉस फोर परसेंट एंड एक्चुअल आउटपुट फॉर बोथ द वाइटीज आर गिवन दिस इज लेवल नंबर वन तो ये हमारा लेवल नंबर वन है किस तरीके से सॉल्व करना है सबसे पहले बच्चों ध्यान से आपको चेक करना है ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाया है ये स्टेटमेंट आपको बनाना है दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स तो आपको याद रखना है सबसे पहले इस स्टेटमेंट में वी विल बी राइटिंग ओनली यूनिट्स वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनी काइंड ऑफ अमाउंट इन दिस इसमें अमाउंट नहीं लिखना है इसमें हमको क्या करना है इसमें हमको सिर्फ यूनिट्स लिखना है तो आपको याद रखना है इसको जो भी यूनिट्स होंगे वो हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर लेंगे तो देखो अभी मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट करके बताता हूँ आई हैव रिटन द फॉर्मेट ऑलरेडी द फॉर्मेट इज़ इनपुट एड एडिशनल इनपुट तो आपको आंसर मिलेगा टोटल इनपुट देन लेस नॉर्मल लॉस 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 नॉर्मल वेट वेट एंड स्क्रैप मतलब ऐसा loss जो सिर्फ यूनिट्स कॉलम में आता है जो प्रोसेस कॉस्टिंग का जो हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे उसके लिए बताऊंगा मैं आपको स्क्रैप लॉस नॉर्मल जिसके लिए स्क्रैप वैल्यू होता है एक्चुअल आउटपुट लेस लेस यहाँ पे वैल्यू आएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट थोड़ा सा चेंज कर लेना दिस इज एक्सपेक्टेड आउटपुट फिर लेस करेंगे हम एक्चुअल आउटपुट तो आंसर मिल जाएगा गेन तो आउटपुट हम लोग हैं है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से ध्यान से देखना है तो देखो इनपुट है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के जी टेन रूपीज हमको इसमें सिर्फ यूनिट्स लिखना है या के लिखना है तो मैं अभी आपको शुरू करके दिखाता हूं एक्जेक्टली किस तरीके से होगा देखो इनपुट हमारा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोसेस सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रोसेस में कभी भी एडिशनल इनपुट नहीं होगा तो आपका टोटल इनपुट भी बनेगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब हम नॉर्मल लॉस का एक बार परसेंटेज सभी का लिख लेते हैं नॉर्मल लॉस टू परसेंट फोर परसेंट फोर परसेंट तो नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू दिया है ये टू परसेंट है ये फोर परसेंट है एंड दिस इज ऑल्सो फोर परसेंट तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का आपको टू परसेंट ढूंढना है तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का टू परसेंट आएगा फाइव हंड्रेड तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में से अगर हम फाइव हंड्रेड माइनस करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब एक बार चेक कर लेते हैं लेटस चेक वंस आपके जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे दिया है ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड तो यहाँ पे अभी हम मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक्चुअल आउटपुट तो एक्चुअल आउटपुट कितना है

फाइव हंड्रेड है, बट यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं क्या तो यहाँ पे कोई भी एडिशनल इनपुट नहीं दिया हुआ तो हम लोग डायरेक्टली सो योर टोटल इनपुट विल बी सेम अगेन ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नॉर्मल लॉस ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का फोर परसेंट आप कैलकुलेट करना दैट कम्स टू नाइन हंड्रेड एंड एटी रुपीज तो ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड में से नाइन हंड्रेड एंड एटी आपको माइनस करना यू गेट दी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी दिस इज एक्सपेक्टेड आउटपुट मैंने यहाँ पे गलती से दोनों जगह पे एक्चुअल आउटपुट ही लिखा है तो दिस इज एक्सपेक्टेड आउटपुट ये जो हमारा एक्सपेक्टेड है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी अब एक्चुअल आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं सेकेंड जो प्रोसेस है उसका एक्चुअल आउटपुट है ट्वेंटी थ्री फोर हंड्रेड तो ट्वेंटी थ्री फोर हंड्रेड हमारा एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे लिखेंगे ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सो ट्वेंटी थ्री फाइव ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी थ्री फोर हंड्रेड गेट पॉजिटिव आंसर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ इफ यू गेट पॉजिटिव आंसर इट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस अगर आपको आंसर जो आएगा दैट विल बी पॉजिटिव तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस अगर आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है वेन एवर वी आर गेटिंग एंसर एज पॉजिटिव इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस एंड इफ़ वी आर गेटिंग एंसर एज नेगेटिव इट इज़ कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा है दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव तो ये क्या होगा एबनॉर्मल लॉस होगा तो दैट इज द सेकेंड प्रोसेस में हमें एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा अभी थर्ड प्रोसेस में चलते हैं ये जो एक्चुअल आउटपुट है आपका ट्वेंटी थ्री फोर हंड्रेड इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ तो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड हमारा प्रोसेस सी में गया है एडिशन इनपुट फिलहाल नहीं है तो योर टोटल आउटपुट इज़ ऑल्सो ट्वेंटी थ्री फोर हंड्रेड नेक्स्ट नॉर्मल लॉस अगेन फोर परसेंट है तो ट्वेंटी थ्री फोर हंड्रेड का फोर परसेंट आप काउंट कर लेना दैट विल बी नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स रुपीज़ तो अगर आप ट्वेंटी थ्री फोर हंड्रेड में से नाइन थर्टी सिक्स को माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर एक्चुअल आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं एक्चुअल आउटपुट आपके क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल लॉस ये एक्चुअल आउटपुट है, है 22, तो 22, आपका एक्चुअल आउटपुट है थर्ड प्रोसेस के लिए ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो देखो अभी ट्वेंटी टू फोर सिक्सटी फोर में से अगर हम ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड माइनस करेंगे तो वी आर गेटिंग अ नेगेटिव आंसर ऑफ थर्टी सिक्स एंड सिंस वी आर गेटिंग नेगेटिव आंसर इट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन so first process we are not getting any abnormal loss gain since the value of expected and actually similar in the second we are getting a positive answer of 120 that is why it is abnormal loss third process we are getting abnormal gain because it's negative so this is normal variety whenever the question is not having any adjustment of uh, sale in the question तो अगर आपके क्वेश्चन में सेल का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रहे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है अभी मैं सेकंड एग्जांपल में जाता हूँ सेकंड एग्जांपल ऐसा है जिसमें आपको सेल का एडजस्टमेंट दिया जाएगा तो सेल का एडजस्टमेंट अगर आपके पास दिया हुआ है तो किस तरीके से सॉल्व करना है तो देखते हैं अभी सेकेंड एग्जाम्पल दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल तो सेकेंड एग्जाम्पल बिल्कुल सेम मैंने लिया है सिर्फ थोड़ा सा चेंज आउटपुट सोल्ड फोर्टी परसेंट ट्रांसफर्ड सिक्सटी परसेंट तो दिस इज द लेवल नंबर सेकेंड विच इज कॉल्ड एज सेल तो अगर आपके क्वेश्चन में सेल का एडजस्टमेंट होगा तो आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग वाइज चेंज करना है 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 देखो में क्या पे पे भी मैंने एक्चुअली लिखा दिस इज एक्सपेक्टेड अगेन थोड़ा सा आप चेंज कर लेना ये एक्सपेक्टेड है फिर एक्चुअल है लास्ट में आपको सोल्ड और ट्रांसफर ये दो पॉइंट आपको न्यू लिखने हैं ये नए पॉइंट है जो हमारे फर्स्ट वरायटी में मैंने नहीं लिखे थे तो लेट अस स्टार्ट अभी स्टार्ट करते हैं देखो यहाँ पे मैंने एडिशनल भी लिया है ध्यान से इनपुट देखो इनपुट यहाँ पे भी है इनपुट वाई में भी है और यहाँ पे भी दिया है तो ये एडिशनल का कंसेप्ट है तो इसको अभी कैसे लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रोसेस एक्स में इनपुट लिखेंगे प्रोसेस एक्स का इनपुट कितना है फाइव थाउजेंड एडिशनल फर्स्ट में कभी नहीं होता डैश तो आपका टोटल इनपुट कितना हो जाएगा फाइव थाउजेंड ठीक है देखो नॉर्मल लॉस मैंने आपको फोर परसेंट दिया है बट इधर स्क्रैप का रेट नहीं है तो वेन एवर स्क्रैप रेट इज नॉट गिवन इट इज कॉल्ड एज वेट लॉस तो ये आपका वेट लॉस बन जाएगा नॉर्मल लॉस दैट विल बी वेट लॉस तो सिमिलरली देखो फोर परसेंट फाइव परसेंट टेन परसेंट तो मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ दिस इज फोर परसेंट दिस इज फाइव परसेंट एंड दिस इज टेन परसेंट ठीक है तो अभी हम 5000 का 4 परसेंट काउंट करेंगे तो आएगा 200 5000 में से 200 को अगर आप माइनस करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा 4800 एक्चुअल आउटपुट एक बार देखते हैं अगर आपके क्वेश्चन में देखो एक्चुअल आउटपुट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है तो यूजुअली क्या होता है सेल वाली वैरायटी में एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया जाता दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग जैसा दिया है वैसे लिखेंगे तो वेन एवर एक्सपेक्टेड इज कैलकुलेटेड एंड एक्चुअल आउटपुट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एक्सपेक्टेड तो जितना है वही एक्चुअल लिखेंगे ऐसे केस में एबनॉर्मल लॉस गेन आपका जीरो आ जाएगा अब आपको पढ़ना है सोल्ड और ट्रांसफर का एडजस्टमेंट देखो सोल्ड कितना है फर्स्ट प्रोसेस में आउटपुट सोल्ड है फोर्टी परसेंट एंड आउटपुट ट्रांसफर्ड है सिक्सटी परसेंट तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज लिख लेते हैं सोल्ड है फोर्टी परसेंट फर्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ फोर्टी परसेंट और सिक्सटी परसेंट तो आपको क्या करना है एक्चुअल एट जीरो रिमेंबर सोल्ड हमको आगे लेके नहीं जाना है ट्रांसफर हमें आगे लेके जाना है तो ट्रांसफर कितना है हमारा टू एट एट जीरो तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू एट एट जीरो जो ट्रांसफर है अब मैं आपको एडिशनल इनपुट का कंसेप्ट बताता हूँ प्रोसेस वाई वी आर हैविंग इनपुट ऑफ वन नाइन टू जीरो तो दिस विल बी योर एडिशनल इनपुट मैंने आपको कल भी बताया था कि एडिशनल इनपुट हमारा हमेशा सेकेंड से होगा फर्स्ट प्रोसेस में वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एडिशनल इनपुट सेकेंड प्रोसेस से ही एडिशनल इनपुट होगा टू एट एट जीरो प्लस वन नाइन टू ज़ीरो आप अगर प्लस करोगे दैट विल बी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड फोर थाउजेंड एट हंड्रेड का फाइव परसेंट नॉर्मल लॉस है दैट विल बी टू हंड्रेड एंड फोर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड में से टू फोर्टी आपको माइनस करना है तो आंसर मिलेगा अगेन फोर फाइव सिक्स जीरो एक्चुअल आउटपुट भी मैंने आपको बताया कि सेम ही हमें लेना है कुछ भी नहीं दिया तो अगेन दी दमल लॉस गेन इज नील नाउ वी विल रीड कि यहाँ पे सेल और ट्रांसफर कितना है तो सेकेंड प्रोसेस में सोल्ड सिक्सटी है ये फोर्टी है ट्रांसफर तो सिक्सटी फोर्टी का रेशियो है सोल्ड सिक्सटी परसेंट पे लिखता हो सिक्सटी एंड ट्रांसफर फोर्टी परसेंट तो 60% आपको काउंट करना है फोर फाइव सिक्स जीरो का दैट कम्स टू टू थाउजेंड अगर आप फोर्टी परसेंट काउंट करोगे तो दैट विल बी ट्रांसफर जो है वही आपको अगले प्रोसेस में लेके जाना है तो हमारा ट्रांसफर कितना है वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर एडिशनल इनपुट अस चेक थर्ड वाले प्रोसेस में थ्री फाइव सेवन सिक्स तो एडिशनल इनपुट इज थ्री फाइव सेवन सिक्स प्लस करो सो so, अगर हम दोनों का ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड नॉर्मल लॉस देखते हैं नॉर्मल लॉस टेन परसेंट है तो टेन परसेंट ऑफ फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड कम्स टू फाइव फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड में से फाइव फोर्टी को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा फोर एट सिक्स जीरो एक्चुअल विल बी ऑल्सो सिमिलर फोर एट सिक्स जीरो तो अगेन एव लॉस विल बी नील थर्ड वाले प्रोसेस में देखते हैं क्या सिस्टम है, है। थर्ड वाले प्रोसेस में बोला है आउटपुट सोल्ड इज हंड्रेड परसेंट तो टोटली यहाँ पे हंड्रेड परसेंट का आउटपुट सोल्ड किया गया है, तो हंड्रेड परसेंट मतलब यहाँ पे ट्रांसफर में जीरो आएगा और आपका जितना भी ये है पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोर एट सिक्स जीरो दैट विल बी टोटली सोल्ड सो दिस इज सेल वाला वैरायटी जब भी सेल का क्वेश्चन आएगा तो आप पहले आप ये स्टेटमेंट बना लेना स्टेटमेंट अगर आप परफेक्ट बनाओगे तो प्रोसेस में जब फिर सिर्फ पोस्टिंग ही रह जाएगा कि पोस्टिंग में आपको किस तरीके से पोस्टिंग करना है आप इसमें देख देख के कर सकते हैं आपकी एक भी गलती नहीं होगी वो भी मैं आपको करके बताऊंगा हमारे अगले लेक्चर्स में अभी हम थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं देखो एक तो आपको नॉर्मल लेवल आएगा पेपर में एक तो सेल वाला लेवल आएगा एक तो स्टॉक वाला लेवल आएगा अभी स्टॉक लेवल में ये फॉर्मेट कैसे बनाए

इनपुट कितना है फाइव थाउजेंड यूनिट सेकेंड प्रोसेस में कोई भी इनपुट नहीं है थर्ड में नहीं है मतलब ऑल्सो फाइव थाउजेंड यूनिट्स ओके नॉर्मल लॉस देखते हैं नॉर्मल लॉस टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट एंड फिफ्टीन परसेंट तो एक बार लिख ही लेते हैं स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे दिया है टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट

फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी अगर हम माइनस करेंगे तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा टू फिफ्टी मैंने आपको बताया था अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस अब आपको क्या करना है ये एक्चुअल आउटपुट फिर से एक बार इधर लिखना है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है आपको ट्रांसफर का आंसर मिल जाएगा लेट अस चेक ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे फर्स्ट में सेवन फिफ्टी यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक फाइव हंड्रेड लेट अस पोस्ट देन ओपनिंग स्टॉक कितना है ओपनिंग स्टॉक है सेवन फिफ्टी यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक कितना है फाइव हंड्रेड यूनिट तो फाइव हंड्रेड को मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ तो फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लस सेवन फिफ्टी माइनस फाइव हंड्रेड यू विल गेट द आंसर अगेन फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट इज यूर ट्रांसफर ये आपका ट्रांसफर है अभी यही ट्रांसफर को आपको यहां पे लिखना है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके एडिशनल इनपुट यहां पे नहीं है टोटल इनपुट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड देन नॉर्मल लॉस देखते हैं नॉर्मल लॉस ट्वेंटी परसेंट है तो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट कम्स टू नाइन हंड्रेड सो अगेन यूल गेट दी एंसर ओवर हियर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से एक सेकेंड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से अगर हम नाइन हंड्रेड को माइनस करेंगे तो यहाँ पे थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आपका एक्चुअल आउटपुट देखते हैं क्वेश्चन में कितना दिया है एक्चुअल आउटपुट दिया जीरो सो ओके ध्यान से देखना अभी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में से अगर हम थ्री सेवन माइनस थ्री सेवन फाइव जीरो को माइनस करेंगे तो वी आर गेटिंग नेगेटिव आंसर एज वन फिफ्टी तो सिंस वी आर गेटिंग नेगेटिव आंसर ऑफ 150 मैंने आपको बताया था नेगेटिव आंसर का मतलब होता है एबनॉर्मल गेन सो अगेन आई विल बी राइटिंग द एक्चुअल आउटपुट ओवर हियर 3750 फ्रॉम दिस 3750 आपको ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है चलो चेक करते हैं ओपनिंग स्टॉक है वन क्लोजिंग स्टॉक है सेवन तो अभी इसको फिर से लिख लेंगे तो ओपनिंग स्टॉक कितना वन है क्लोजिंग स्टॉक कितना सेवन है माइनस करो तो आपको आंसर मिलेगा फोर थाउजेंड तो फोर थाउजेंड आपका क्या बन गया ट्रांसफर बन गया तो फोर थाउजेंड अभी हम ट्रांसफर करके यहाँ पे लिख देंगे तो प्रोसेस आर में फोर थाउजेंड गया एडिशनल इनपुट इज डैश अगेन टोटल इनपुट इज फोर थाउजेंड फिफ्टीन परसेंट आपको काउंट करना है थर्ड प्रोसेस में देखते कितना है फिफ्टीन परसेंट सो काउंट करना अकॉर्डिंगली और आगे के पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है सिमिलरली ठीक है सो एक्चुअल आउटपुट आपको सेम लिखना है ये अभी आपके लिए होमवर्क है कि इतना पार्ट आपको खुद सॉल्व करके देखना है कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा क्या करना है सिंपल है फोर थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट कैल्कुलेट करके देखना एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा सॉरी एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा फिर उसके बाद क्या करना है आपको उसके बाद आपको एक्चुअल आउटपुट देखना है एक्चुअल आउटपुट कितना है थ्री टू फाइव जीरो चलो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दे ही देता हूँ थ्री टू फाइव जीरो ठीक है, फिर एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस गेन देखना है फिर यहाँ पे लिखना है अगेन, 3, 2, 5, कितना है फाइव हंड्रेड तो इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना सिमिलर कैलकुलेशन है ओनली नंबर का फर्क है सो थ्री सॉल्व टूडे हमने तीन पॉइंट के ऊपर आज क्वेश्चन को सॉल्व किया है नंबर वन इज़ नॉर्मल वराइटी जहाँ पे आपको एबनॉर्मल लॉस गेन तक ही फॉर्मेट बनाना है नंबर सेकेंड सेल वाला वरायटी जिस एबनॉर्मल लॉस गेन के बाद वी हैव टू राइट सेल एंड ट्रांसफर नंबर थर्ड इज़ स्टॉक वाला वरायटी स्टॉक वाले वरायटी में आपको क्या करना है एबनॉर्मल लॉस गेन के बाद फिर से वी हैव टू राइट एक्चुअल आउटपुट एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक और आपको मिल जाएगा ट्रांसफर का आंसर ओके सो दिस इज जस्ट अ वर्किंग नोट बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दे प्रिपेयर द प्रोसेस कॉस्टिंग फॉर्मेट डायरेक्टली एंड दे स्टार्ट पोस्टिंग इन दैट एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दे कमिट सम और द अदर क्लेरिकल एरर तो दिस इज द फॉर्मेट विच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फर्स्ट बिफोर प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब क्या है कि एक बार आपका ये वर्किंग नोट बन गया इस वर्किंग नोट को बनाने में मैक्सिमम आपको फाइव मिनट्स लगेंगे बट जैसे ही ये वर्किंग नोट आपका बन गया उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ भी नहीं है प्रोसेस कॉस्टिंग एक काफ़ी इजी और आपको फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए वहाँ पे यूज़ हो जाएगा इस फॉर्मेट का बिकॉज बिफोर सॉल्विंग द प्रोसेस वी आर नोइंग कि हमें पहले प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस आएगा कि एबनॉर्मल गेन आएगा ये सारी चीज़ें अगर हमारी पहले ही क्लियर होंगी तो हमको प्रोसेस कॉस्टिंग में सम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम्स नहीं होंगे वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अगर, अगर अभी तक देख लिया और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर देना आप लोग लाइक नहीं करते सिर्फ आप वीडियोस देखते हैं और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले और uh, कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो इसका पूरा पी एनोटेशंस के साथ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले बिकॉज इसके पीडीएफ्स में वहाँ पे शेयर करता हूँ सो दैट आपको ये पीडीएफ्स का भी यूज़ आपके प्रिपरेशंस में होते रहे टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर थैंक यू वेरी मच बाय बाय बी एट्स होम बी सेफ और ये सीरीज़ मैंने जो स्टार्ट की है वो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना थैंक यू बाय बाय Have a nice day.